हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं एनालिसिस फॉर बैंक निफ्टी फॉर नेक्स्ट वीक। तो आइए चलते हैं क्विकली एंड देखते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट। सो ये है 1 आवर का बैंक निफ्टी चार्ट। यहाँ पर मैंने कुछ की लेवल्स आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पर बैंक निफ्टी सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले सकता है। सो कल बेसिकली ओवरऑल पिक्चर तो नेगेटिव लग रहा है, सिनेरियो इज नेगेटिव, बट मैं ट्रेड करूँगा बेस्ड ऑन द प्राइस एक्शन। सो वॉट आई कैन सी एट द मोमेंट हियर इज आई क्विकली शो। सो फ्राइडे को बैंक निफ्टी ने एक अच्छा खासा फॉल दिया, ये लो बनाया, यहाँ से एक रिट्रेसमेंट आई और यहाँ कहीं आके क्लोज किया है। तो अगर आप देख सकते हो आई कैन सी कि बैंक निफ्टी ने हमें दो प्राइस एक्शन पॉइंट्स दिए हैं, एक तो ये लेवल है और ये लेवल है। तो जो थर्ड प्राइस एक्शन पॉइंट हमें मिलेगा दैट विल बेसिकली डिसाइड वेदर वी वांट टू गो शॉर्ट और गो लॉन्ग। अगर फॉर देखो ट्रेडर्स, फॉर प्राइस एक्शन मिनिमम 3 पॉइंट्स आर नेसेसरी। सो वी सी 1 पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, द थर्ड पॉइंट। सो इन दिस केस यहाँ पर हमें ब्रेकआउट मिला तो वी कैन गो लॉन्ग, या फिर ये ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर ब्रेकडाउन मिला वी गो शॉर्ट। और ज़रूरी नहीं है कि थर्ड पॉइंट हैज़ टू गिव अ ब्रेकआउट, इट कैन एक्चुअली कंसोलिडेट लॉन्गर एंड देन डिसाइड टू गो एंड ब्रेक द रेंज आइदर ऑन द अप साइड और ऑन द डाउन साइड। सो विच एवर डायरेक्शन बैंक निफ्टी विल ब्रेक आउट वी विल बेसिकली गो शॉर्ट और विल गो लॉन्ग। So let's see what are these levels and let's go and check the charts on a smaller time frame. Let me just quickly delete these drawings. And let's go on a 5 minute chart. So as you can see 5 minutes chart pe this was a last swing high that bank nifty made and this was the last low that bank nifty made and ye low do bar test ho chuka hai. So it is not that yahan par first time aaya, yahan se bounce back mila, second time yahan par aaya. So as long as this low is not broken I would not be comfortable taking short. Or on the upside, as you can see, this is the 50 moving exponential average. So this will act like a resistance. The best option would be agar bank nifty flat khule aur thoda sa retrace kare aur yahan se agar reversal sign mile to I would be more inclined in shorting and I will add with obviously not full quantities, with half the quantity, and then I will add remaining half once it breaks this level. लेकिन अगर बैंक निफ्टी डायरेक्टली गैप डाउन खुले तो आई विल अगेन हैव टू ऑब्जर्व अ न्यू प्राइस एक्शन कि किस डायरेक्शन में जा रहा है एंड देन अकॉर्डिंगली वी विल ट्रेड। बट मैंने जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल आइडेंटिफाई किए हैं उसके हिसाब से जो मेरे टारगेट्स बन रहे हैं वो है ये। सो आई एम लुकिंग एट, अगर ये लेवल ब्रीच होता है बैंक निफ्टी का, सो द नेक्स्ट level as a target I am looking at is 34,260, which is almost 400 points from this level. So agar breakdown mile to ek 400 points ka swift move aa sakta hai. Aur agar hame ye level breach hota hai on the upside, so the target here is 35,700, so which is again how much 400 points on the upside. तो ये दो टारगेट्स है। और अगर यहाँ पर कहीं बैंक निफ्टी आके कंसोलिडेट करे और ब्रेकडाउन के बाद और इसे भी ब्रीच करे तो जो नेक्स्ट टारगेट बनता है दोस्तों वो है काफ़ी बड़ा, विच इज़ अराउंड 32,790। यस, देर इज़ नो मेजर रेजिस्टेंस इन बिटवीन दिस। सो दिस इज, दीज आर माई टारगेट लेवल्स विच हैव आइडेंटिफाइड। So the next positional target, so I will basically be carrying over my position, I will hold, because यहाँ पर होता क्या है कि अक्सर हमने देखा है काफ़ी गैप अप और गैप डाउन मार्केट खुलता है।
सो वी एक्चुअली डोंट गेट टू यू नो टेक एडवांटेज ऑफ दोस गैप अप एंड अप डाउन. अगर ये लेवल ब्रीच करता है तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी एक बेरिश जोन में चले जाएगा. ऑलरेडी बेरिश है और कंफर्म हो जाएगा कि वो बेरिशनेस है एंड इट इज़ रेडी टू गेटिंग यू नो टू मूव फर्दर डाउन. सो इन दैट सेंस आई वुड बी मोर कम्फर्टेबल इन होल्डिंग ऑन माई पोजिशंस फॉर नेक्स्ट 2-3 डेज एंड सी यू नो दिस टारगेट बीन हिट. सो ये है मेरा इंट्रा डे टारगेट ऑन द डाउन साइड विच इज़ 32-246. एंड अगर उसी रेंज के आसपास क्लोज हो जाए या उस लेवल को भी ब्रीच करे तो आई वुड बी मोर कम्फर्टेबल इन होल्डिंग. बिकॉज होगा क्या, अगर ये लेवल को ब्रीच करता है एंड अगर एक रिट्रेसमेंट भी आती है तो अगेन इट विल गो एंड यू नो दिस लेवल विल एक्ट लाइक अ रेजिस्टेंस और यहाँ से एक फ्रेश मोमेंटम में एक बड़ा फॉल आ सकता है. तो ये है मेरा एनालिसिस. देखते हैं दोस्तों कल कहाँ पर मार्केट ओपन होता है. प्रोबेबिलिटी तो है कि वो फ्लैट ओपन हो, ज़्यादा गैप डाउन ना खुले तो हमारे लिए अच्छा होगा. सो दैट वी कैन बेसिकली टेक द एडवांटेज ऑफ यू नो द ब्रेक डाउन फ्रॉम आर लेवल्स. सो लेट्स सी. एंड इफ यू लाइक माई एनालिसिस प्लीज़ गिव अ थम्स अप एंड हिट द लाइक बटन. अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल ट्राई टू आंसर देम. एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.